नमस्कार दोस्तों, टेक जी टिप्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको नॉर्थन कॉलफील्ड लिमिटेड में जो HEMM ऑपरेटर की अभी 2020 में जो भर्ती निकली है, उससे पहले 2018 में भर्ती निकली थी और जिसका एग्जाम जो हुआ था वो 20 जनवरी 2019 में हुआ था दोस्तों, तो उसका क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और आपको मैं इसका फुल सॉल्यूशन के साथ मैं इसका आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है क्या क्या सेक्शन से पूछा गया था, तो दोस्तों इसमें हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, GK, GS भी पूछा गया था। तो मैं आपको एक एक करके सॉल्यूशन के साथ सभी क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो पे बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एट प्रेजेंट हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। तो ये उस समय करंट अफेयर 2000 आप याद रखिएगा, ये 2019 के अनुसार पूछा गया है। तो उस समय जो थे और अभी भी हैं विप्लव कुमार देव। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए। एट प्रेजेंट हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो उसका क्वेश्चन का सही उत्तर है दोस्तों डी नंबर, सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिलरी डज नॉट रिलेटेड विथ इंडियन फोर्सेज। निम्न में से कौन सा आयुध भारतीय सेना से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र नहीं है, नाग भी है, पिनाका भी है और ब्रह्मोस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा नंबर में, इसरोज फर्स्ट चंद्रयान मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि इसरो का प्रथम चंद्रयान मिशन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2008 में हुआ था दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी। हिंदी का स्क्रिप्ट मतलब लिपि क्या है, तो देवनागरी, ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन हिंदी लैंग्वेज, मतलब हिंदी लैंग्वेज में कितने व्यंजन वर्ण है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 33, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी लैंग्वेज इज द डेस ऑफ इंडिया। तो हिंदी लैंग्वेज क्या है, ऑप्शन नंबर ए ऑफिशियल लैंग्वेज, बी नेशनल लैंग्वेज, सी नेशनल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज बोथ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफीज डज नॉट रिलेट विथ क्रिकेट। क्रिकेट से कौन सा ट्रॉफी संबंधित नहीं है। तो ए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, बी देवधर ट्रॉफी, सी विजय हजारे ट्रॉफी और डी विजय मर्चेंट ट्रॉफी। तो दोस्तों इसका बहुत ही आसान आंसर है 8 नंबर का, वो है डी विजय मर्चेंट ट्रॉफी। 9 नंबर, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप। अगला फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पर होने वाला है 9 नंबर का। तो 9 नंबर का सही उत्तर है दोस्तों कतर में। 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बिलोंग ओनली टू एशिया कॉन्टिनेंट, मतलब एशिया कॉन्टिनेंट में कौन सा कंट्री नहीं है, मकाओ, जॉर्डन, सीरिया या फिर रसिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रसिया। रसिया जो है उसका साइबेरिया वाला पार्ट एशिया में आता है और उसका जो है मेन पार्ट जो होता है वो यूरोप में आता है। नेक्स्ट दोस्तों 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम डज नॉट ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार की कौन सी योजना नहीं है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका सही उत्तर है डी नंबर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना होता है। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौशल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे कुशल लिखा हुआ है। हाँ, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये सब भी मिस्टेक जो है वो देखना है आपको, यहाँ पे कौशल समझकर बहुत कोई ने पिछला बार गलती कर दिया था। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुशल लिखा हुआ है, तो आप स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर, द होस्ट कंट्री ऑफ अपकमिंग क्रिकेट वर्ल्ड कप इज, मतलब अपकमिंग जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो कहाँ होने वाला था। ये आप याद रखिएगा 2019 के अनुसार करंट अफेयर है दोस्तों। तो अभी 2020 चल रहा है, मतलब कि आप 2020 के अनुसार अपना करंट अफेयर की तैयारी करिएगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इंग्लैंड एंड वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICC, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका बहुत ही आसान आंसर है दोस्तों, वो है दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेंडरी अवार्ड डज नॉट बिलोंग टू इंडियन आर्म फोर्सेज। कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड भारतीय सेना बल से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर, अब इसका सही उत्तर है सी और डी। कहने का मतलब सी भी सही है और डी भी सही है। अब ऐसा क्यों हुआ है, दोनों ऑप्शन क्यों सही है। तो देखिए, परमवीर चक्र होता है, परमवीर चक्र नहीं है, और डी नंबर आंतरिक सुरक्षा पदक जो होता है वो इंडियन आर्म फोर्सेज से बिलोंग नहीं करता है, वो जो होता है वो आंतरिक सुरक्षा मतलब पुलिस विभाग से संबंधित है।
नेक्स्ट है 15 नंबर, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं जो कि आपका 10वीं बेस से भी नीचे का दोस्तों है। क्वेश्चन को बहुत ही हार्ड नहीं पूछा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने 10वीं तक का पढ़ाई सही से किया है या फिर आप जो है वो 10वीं तक की पढ़ाई सही से नहीं किया लेकिन फिर भी एक बार अगर आप देख लेते हैं तो ये एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों 15 नंबर का सही उत्तर है प्रेसिडेंट। 16 नंबर, 8% लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। मतलब दुनिया का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो अभी किस देश में है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, इंडिया। अब कुछ किताब में जो है वो गोरखपुर दिया हुआ है, कुछ किताब में जो दिया हुआ वो खड़गपुर दिया हुआ है। तो उसके सही उत्तर जो है वो गोरखपुर है, पहले खड़गपुर था लेकिन वो बदलकर अब गोरखपुर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर में कि व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज। मतलब श्वेत क्रांति को भारत में किस और नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए ऑपरेशन काउ, ऑप्शन बी ऑपरेशन फ्लड, ऑप्शन सी ऑपरेशन मिल्क, ऑप्शन डी ऑपरेशन ग्रैंड भारत। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट है इन विच ईयर आईपीएल 2020 वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। मतलब आईपीएल जो है वो भारत में कब लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2007 में आईपीएल का पहला सीजन आया था। नेक्स्ट है नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्टेट्स। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं ये मैप से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब भारत की जो राजधानी दिल्ली, मतलब दिल्ली जो है वो कितने राज्यों की सीमाओं से सटी हुई है। तो इसके लिए आपको मैप पे भी ध्यान देना है। और इसका सही उत्तर है दोस्तों 2 नंबर, मतलब 2 है ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन सा 2 है? तो एक तरफ है इसका हरियाणा और दूसरी तरफ है इसका उत्तर प्रदेश। बस इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार राजस्थान भी होना चाहिए, लेकिन आप मैप पे देखिए, मैप में क्लियरली आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय मैक्सिमम स्टेट्स इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज। मतलब कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको लेकर भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा स्टेट को बाउंड्री को शेयर करता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, तो ऑप्शन आप पहले देख लीजिए, वो है पहला नंबर उत्तर प्रदेश, दूसरा नंबर राजस्थान, तीसरा नंबर गोवा और चौथा नंबर है पंजाब। तो आपको क्या लगता है दोस्तों इसका कमेंट के नीचे आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट में पिन करके इसका सही उत्तर दे दूंगा। 21 नंबर में पद्मावत इज रिटेन बाय डेज। तो पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए सूरदास, बी कालिदास, सी रस खान और डी मलिक मोहम्मद जायसी। तो पद्मावत ये तो आप फिल्म ही देख चुके हैं, पद्मावत तो आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन फिर भी मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। इसका सही उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी, 21 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर में वंदे मातरम वाज ओरिजिनली रिटेन बाय। वंदे मातरम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी। ये वंदे मातरम क्या है? तो हमारे देश का राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगान जो है मतलब नेशनल एंथीम जो है वो लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों 23 नंबर में लिटरेचर कामायनी इज रिटेन बाय विच पोएट। मतलब कहने का मतलब दोस्तों कामायनी जो काव्य है वो किस कवि के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला, डी मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ हिंदी वर्ड उपवास। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है वो हिंदी में क्या आ गया है सिनोनिम, कहने का मतलब है कि समानार्थक शब्द हिंदी का पूछा गया है। तो उपवास बताइए इसका कितना आसान, मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा गया था पिछला बार। तो ऐसा ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही आसान रहेगा, आपके डेली जीवन से ही रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है। अब देखिए तो इसका सही उत्तर है दोस्तों व्रत, ये तो सभी को पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम ऑफ हिंदी वर्ड अंगीकार। अंगीकार का जो है एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है विपरीत वर्ड। तो विपरीत माने उल्टा शब्द क्या होना चाहिए अंगीकार का? 25 नंबर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अस्वीकार। अंगीकार मैंने स्वीकार कर लेना और इसका उल्टा हो जाएगा अस्वीकार। नेक्स्ट है 26 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदी वर्ड हैज रिटेन इन करेक्टली। अब आपको पता करना है कि कौन सही लिखा हुआ है। तो सही लिखा हुआ है जैसे ऑप्शन नंबर ए है न्योछावर, क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर बी आपको चेक करना है साप्ताहिक, और सी में दिया हुआ बादाम, और डी में लिखा हुआ अंधा। तो इसमें कौन सही है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी साप्ताहिक। क्वेश्चन 27 नंबर में पूछा गया है दोस्तों हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज लाइट ऑफ एशिया। मतलब एशिया
महादेव के ज्योति पुंज के रूप में किनको जाना जाता है? तो इसका भी बहुत आसान आंसर है गौतम बुद्ध। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज गॉट द हाईएस्ट स्प्रेड ऑफ नेशनल हाईवेज, मतलब भारत में किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही बार रेलवे ग्रुप डी से ले गए और भी बहुत सारी चीज़ में पूछा गया है, तो इसका भी सही उत्तर आपको पता होना चाहिए और इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 नंबर में, पॉपुलेशन ऑफ विच इंडियन स्टेट इज लोवेस्ट, मतलब भारत में किस राज्य की जनसंख्या जो है वो सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, 29 का सिक्किम होगा। नेक्स्ट है विच स्टेट ऑफ इंडिया आर इन्वॉल्व इन कावेरी वाटर डिस्प्यूट, मतलब कावेरी जो जल विवाद है उसमें कौन कौन से राज्य जो हैं वो शामिल है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तमिलनाडु एंड कर्नाटका। नेक्स्ट है 31 नंबर, द लेटेस्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंक्लूडेड इन विच ईयर, मतलब लास्ट जो जनगणना हुई थी वो किस साल हुई थी। तो इसका सही उत्तर है 2011, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज जियोग्राफिकली फेमस फॉर कोयला नगरी, तो कोयला नगरी के रूप में किस शहर को जाना जाता है? तो कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है धनबाद, झारखंड में स्थित है। और यहाँ पे सिंगरौली भी ऑप्शन में दिया हुआ है, रांची भी दिया हुआ है, जमशेदपुर भी दिया हुआ है। तो ये बहुत ही आसान पूछा गया था। अब मैं आपको एक एक पॉइंट भी बता देता हूँ। तो धनबाद को जाना जाता है कोयला नगरी के नाम से और सिंगरौली को जाना जाता है ऊर्जा नगरी के नाम से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप याद रख सकते हैं। और इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है किसे? तो इसका भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है। 33 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज फेमस एज स्टील सिटी। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि स्टील सिटी तो बोकारो स्टील सिटी होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है जमशेदपुर, और इसका सही उत्तर भी जमशेदपुर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में, द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, तो भारत की राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो वो आप लिख दीजिएगा, इसका सही उत्तर सी लोटस। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल, मतलब भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो डॉल्फिन, तो ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूटिलाइज्ड इन मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कहने का मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हेक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर डी पेरीमीटर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं बैरोमीटर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया, मतलब भारत की तरफ से नोबेल प्राइज जो है वो किन्होंने पहली बार जीता था? तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट द एरिया ऑफ फॉरेस्ट इज मैक्सिमम, मतलब भारत के किस राज्य में जो है वो सबसे अधिक जंगल है? तो भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है उड़ीसा, बी में है उत्तराखंड, सी में है मध्य प्रदेश और डी में है नागालैंड। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हु फाउंडेड द स्काउटिंग, स्काउटिंग जो है वो की स्थापना किन्होंने की थी? तो इसको आपको याद करना होगा दोस्तों, स्काउटिंग की स्थापना जो है वो की गई थी वेडन पॉवेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटरलू इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, वाटरलू किससे किस व्यक्ति से रिलेटेड है? तो पहला नंबर ऑप्शन है अशोका, बी नंबर है नेपोलियन, सी नंबर है फ्रेडल कैस्ट्रो और डी नंबर में है इबलीज। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। इसका मैं अलग सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, आपको मैं अब आगे बताता हूं। दोस्तों मैं अब आ चुका हूं 56 नंबर के क्वेश्चन में, जिसमें पूछा गया है इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवाइजर इन हिंदी, मतलब एडवाइजर मतलब कोई आपको एडवाइस दे रहा है उसको हम लोग एडवाइजर बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सलाहकार। तो आप देख सकते हैं कितना आसान हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया था पिछला बार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडेक्वेट इन हिंदी, एडेक्वेट तो हम लोग बोलते हैं ना, एडेक्वेट मतलब उचित सही तरीका, एडेक्वेट एडेक्वेट बिहेवियर रखना चाहिए। तो ये सब का तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उचित ए। नेक्स्ट है 58 नंबर का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेड इन हिंदी, एक्सेप्टेड एक्सेप्ट कर लिया मतलब स्वीकार कर लिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 58 का ए नंबर। तो देख सकते हैं दोस्तों अब कितना ही मतलब आसान क्वेश्चन पूछा गया था पिछला बार। 59 नंबर का, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम इज सिचुएट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, मतलब गोविंद वल्लभ पंत सागर जो डैम है वो किस नदी पे है? तो ये जो है सिंगरौली के ही पास है, जिसका नाम है रिहन्द्र डैम।
नेक्स्ट दोस्तों आप 16 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं, फाइंड द सूटेबल नंबर, ये जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ। तो अब आते हैं दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन में, जो कि रिलेटेड है करंट अफेयर्स है, और इसमें जो है 2018 का, मतलब 2019 में एग्जाम पूछा गया था, तो 2018 का मतलब एक साल पीछे का भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो आप याद आप उसी तरह से इसमें भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 2020 में फॉर्म निकला है, मतलब 2019 का भी करंट अफेयर कुछ पूछा जा सकता है, तो उसी अनुसार आपको भी तैयारी करना चाहिए। नेक्स्ट 63 में पूछा जा रहा है कि विच स्टेट विल बी होस्टिंग द 36th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 2018। कहने का मतलब 2018 में जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ है, राष्ट्रीय खेल, वो किस राज्य में खेला गया, तो 63 का सही उत्तर है दोस्तों गोवा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स मिनिमम लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, मतलब भारत के साथ में कौन किस देश की जो बाउंड्री है वो सबसे कम लगती है, तो पहला नंबर ऑप्शन भूटान, दूसरा नंबर अफगानिस्तान, तीसरा नंबर में म्यांमार, और चौथा नंबर में है पाकिस्तान। तो भूटान जो है वो उत्तर की तरफ है और लैंड इसका ज़्यादा थोड़ा शेयर होता है। अफगानिस्तान जो है वो आपका उत्तर पश्चिम की ओर है, जम्मू कश्मीर एक ही स्टेट में, एक ही स्टेट से इसका लैंड मतलब बाउंड्री शेयर होता है, और सी नंबर ऑप्शन में है म्यांमार जो कि ईस्ट की तरफ है, और डी नंबर जो है वो पाकिस्तान जो कि वेस्ट की तरफ है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अफगानिस्तान। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रह्मोस इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड डेस, ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत और किस देश का जॉइंट वेंचर है, तो ऑप्शन नंबर ए में है स्वीडन, बी में है फ्रांस, और सी में है रसिया, और डी में है स्विट्जरलैंड। तो ब्रह्मोस जो है वो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रसिया की मोस्कवा रिवर के नाम को मिलाकर बनाया गया, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी नंबर रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 66 में, भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज कॉज्ड ड्यू टू लीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट अब बता देता हूँ डायरेक्ट सभी का, इसका सही उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है 67 नंबर, द प्रीवियस कैपिटल ऑफ गुजरात स्टेट वाज, गुजरात स्टेट का जो है पहले की राजधानी का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद। नेक्स्ट है दोस्तों इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज सिचुएटेड, मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो किस जिले में स्थित है गुजरात राज्य के, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट।